ब्रिटिश गवर्नमेंट से बगावत करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रिपल आर के 14वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस, ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई या ब्लॉकबस्टर। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ट्रिपल आर के रास्ते में जो भी फिल्म आई उसे साइड होना ही पड़ा, चाहे अक्षय कुमार की बच्चन पांडे हो, मार्वल की मॉर्बियस हो या फिर जॉन अब्राहम की अटैक हो, सभी फिल्मों ने ट्रिपल आर के सामने घुटने टेक दिए। अगर सही मायने में देखा जाए तो ट्रिपल आर फिल्म की स्टोरी नॉर्मल है, लेकिन फिल्म के डायरेक्शन, एक्शन सीन्स, वीएफएक्स, स्क्रीनप्ले और बैकग्राउंड म्यूजिक सुपर से भी ऊपर है, जो फिल्म को एक पावरफुल फिल्म बनाती है। दोस्तों, अगर बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में हिंदी वर्जन में 132 करोड़ 59 लाख का कलेक्शन किया था तो दूसरे वीकेंड में 52 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने 11वें दिन में 7 करोड़ का कलेक्शन किया था तो 12वें दिन में 6 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया था और अपने 13वें दिन में लगभग 6 करोड़ 23 लाख का कलेक्शन किया। और इसी के साथ इस फिल्म के 13 दिनों को टोटल हिंदी वर्जन कलेक्शन 204 करोड़ 32 लाख हो चुका है। पोस्ट पैनिडेमिक के बाद ट्रिपल आर 200 करोड़ कमाने वाली दूसरी फिल्म बन चुकी है। पहले नंबर पर द कश्मीर फाइल्स है। अगर बात करें ट्रिपल आर के ऑल इंडिया कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 484 करोड़ 8 लाख का कलेक्शन किया था तो दूसरे वीकेंड में 116 करोड़ 83 लाख का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने 11वें दिन में 16 करोड़ 17 लाख का कलेक्शन किया था, 12वें दिन में 13 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन किया था और अपने 13वें दिन में लगभग 13 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन किया। और इसी के साथ इस फिल्म के 13 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 643 करोड़ 93 लाख हो चुका है तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 770 करोड़ 10 लाख हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में अब तक लगभग 188 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 13 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 958 करोड़ 10 लाख हो चुका है। ट्रिपल आर ने बजरंगी भाईजान और सीक्रेट सुपरस्टार के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया और अब ट्रिपल आर वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडिया की तीसरी फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म से आगे अभी दंगल और बाहुबली 2 है। दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के 14वें दिन के कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने 14वें दिन में हिंदी वर्जन में लगभग 5 करोड़ 80 लाख का एस्टीमेट नेट कलेक्शन करने वाली है तो ऑल इंडिया में 11 करोड़ 20 लाख का एस्टीमेट नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये फिल्म हिंदी वर्जन में अब ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है तो ओवरऑल में ये फिल्म सुपरहिट साबित हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।